अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आया हूँ एक मस्जिद, और इस मस्जिद को भी ओटोमन एम्पायर ने बनाया है, लेकिन इसकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसे मतलब अब्दुल मजीद ने नहीं बनाया, 18 सेंचुरी में बनाया गया है, लेकिन इसे मोहम्मद ने बनाया, मोहम्मद जो सुल्तान थे, सुल्तान मोहम्मद, उन्होंने बनवाया है। और मैं आपको वीडियो में थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ देर बाद, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़ भी दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं इस मस्जिद के अंदर, और इस मस्जिद की हिस्ट्री बताऊंगा, और इसके बारे में, इसके आसपास की चीज़ें, और इसके जो मतलब डिज़ाइन वगैरह है वो सब। तो पहले अंदर चलते हैं, अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ अंदर की ब्यूटी, उसके बाद फिर बाहर से मैं आपको दिखाऊँगा बाहर से जो बहुत अच्छे तरीके से शाइनिंग कर रही है, उसके बाद फिर बाद में मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, फिर एक और चीज़ भी दिखानी है जो वो भी आपको बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ। ती गेट है, और ये इसके बाहर का एरिया, यहाँ पे है लेडीज़ के लिए जो, तो मैं अंदर आ गया हूँ। ये है कुछ अंदर से इसका व्यू, लेकिन इसका गेट आई थिंक वही पुराना गेट है मे बी, क्योंकि इसका गेट देखिए काफ़ी मज़ेदार तरीके से है, एकदम ओल्ड टाइप का। ये देखिए, ये सब तो ओल्ड है। ये ब्रिक्स वगैरह भी ओल्ड है, बस ये जो टाइल्स, ये थोड़ा सा नया है, बाकी पूरा ओल्ड है। इस साइड का गर्ल्स के लिए बैनलार, मतलब किजला, फीमेल प्रेयर रूम। इसके अंदर की ब्यूटी देखिए, ये देखिए, सो फ्रेंड्स, आपको ना ये हर मस्जिद में देखने को मिलेगा ये, क्योंकि ये जैसे जिस दिन फ्राइडे होता है, फ्राइडे के जो दिन होते हैं उसमें, मतलब जो इमाम होते हैं वो स्टार्टिंग में थोड़ा सूरे पढ़ते हैं, चीज़ें बताते हैं, तो यहाँ पे इसमें इमाम बैठते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे बैठ के सबको बताते हैं। यहाँ पे देखिए माइक भी है, यहाँ पे बैठ के बताते हैं। तो इसका एक अलग बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, स्टेयर्स वगैरह हैं। तो ये होता है यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे इस तरह मतलब नमाज़ पढ़ाई जाती है फ्राइडे वाले दिन, उसमें बैठ के ऊपर चढ़ के वहाँ पे भी, वहाँ पे नमाज वगैरह, ऊपर भी आप देख सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो। और ऊपर का गेट सिर्फ फ्राइडे को खुलता है, बाकी टाइम बंद रहता है ऊपर का। तो अब बात करते हैं हम इसकी आर्ट की, जो इसमें मतलब डिज़ाइन करे गए हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी ओल्ड डिज़ाइन है। ये देखिए, आपको कहीं भी ऐसे मतलब डिज़ाइन देखने को मिलेगा तो ओल्ड मस्जिद में ऐसा मिल जाएगा। और वैसे ही पुराने टाइम में जो था ना, यहाँ पे ऐसे विंडोज़ तो होती नहीं थी, ये ओपन होता था, ये बाद में लगाया गया है, देख सकते हो आप। ये सब जो इसमें डिज़ाइन है ना, सब पुराना है, बहुत पुराना। कितना अमेजिंग तरीके से बनाया गया इसे। अच्छा, ये नया है, ये लाइट आप देख रहे हो ना, ये नया है, क्योंकि पहले तो कैंडल्स का इस्तेमाल होता था, तो ये जो लाइट है ना वो नई है, लेकिन बाकी सब पुराना है। यहाँ आप देख सकते हो, बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसको मतलब डिज़ाइन किया गया है हर जगह पे। और आपको और चीज़ दिखाता हूँ मैं, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, हर मस्जिद में ऐसा होता है, अगर आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करना चाहते हो तो आप यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ पे आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। ऐसा ऐसे प्लग हर जगह पर होते हैं, उस साइड भी बना हुआ है, वो देखिए उस साइड भी बना हुआ है। तो ऐसे और कहीं कोने कोने में बने होते हैं, जिससे आप अपने फ़ोन या किसी भी चीज़ को चार्ज करना चाहें, मस्जिद में बैठ के आराम से चार्ज कर सकते हैं। और सॉरी फ्रेंड्स, ये भी फीमेल का ही है, ये यहाँ पे फीमेल का है, ये भी फीमेल का है, जो इकामत देते हैं ना वो पीछे से, वहाँ से देते हैं, यहाँ से, यहाँ बैठ के इकामत होती है, यहीं पर मतलब दो लोग नमाज पढ़ते हैं, और बाकी आगे वैसे सेम बस, लेकिन जहाँ मैं नमाज़ पढ़ता हूँ ना, वहाँ पे इस तरह बना हुआ है, यहाँ पे इकामत देते हैं, तो एक साइड गर्ल्स का है, तो आगे बॉयज़ बाकी नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे आगे है, दोनों तरफ लेडीज़ के लिए है, वहाँ पे इकामत होती है। अच्छा, इसके स्टेयर्स देखिए, ऐसे इस तरह की स्टेयर्स है इसके,
ये देखिए कुछ इस तरह के स्टेयर्स हैं इसके यहाँ पे, और इसकी हिस्ट्री यहाँ लिखी भी है। तो भाई आपको मैं इस मस्जिद के पीछे लेकर चलता हूँ, पीछे से बहुत अमेजिंग दिखता है, मतलब ये मस्जिद बहुत अमेजिंग दिखती है पीछे से। चलिए पीछे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ बैक साइड मस्जिद का। बैक साइड जितना फ्रंट से ब्यूटीफुल है उतना ही पीछे से भी है। और ये देखिए इसके गुम्बद, और पीछे से तो मतलब इसका इंटीरियर बहुत प्यारा लग रहा है। और आप इसके वॉल पे देखिए, वॉल को इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है ना, अगर आप देखोगे ध्यान से तो उस पर काफ़ी अच्छे से मतलब ऐसे डिज़ाइन किया है विंडोज़ के ऊपर। और वॉल उधर देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है, देख सकते हो आप। ये इसका कंप्लीट बैक साइड है, ये देखिए। तो इसकी हिस्ट्री में कुछ इस तरह है कि जो महमूद थे, सुल्तान थे ओटोमन एम्पायर के 18th सेंचुरी में, तो उन्होंने जेनी सीरियस को डिस्ट्रॉय कर दिया था बिल्कुल पूरी तरीके से थे। तो अब ओटोमन एम्पायर जब भी कोई फाइट जीतते थे या बैटल जीतते थे तो वो एक मस्जिद बनवाते थे। तो महमूद ने भी अपने टाइम पे, जब उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था जेनिसिर्स को, तो उन्होंने अपने टाइम पे इस मस्जिद को बनवाया था 1888 में, और 1826 में ये बनकर तैयार हुई थी। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ गया हूँ, मतलब वापस इधर आ गया हूँ, लेकिन अब यहाँ से मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें और दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अब ये मॉस्क्यू है, तो ये जो है ये है म्यूज़ियम। बेसिकली मैं इसके यहाँ भी जाने वाला था अंदर, लेकिन आई थिंक आज संडे है इसलिए क्लोज है। तो ये टूरिस्ट बस होती हैं और आप इनको बुक कर सकते हो। तो मैं यहाँ था, हाँ तो मैं इसके लिए आया था यहाँ पे, तो ये बंद मिला। वैसे इसका नाम है स्कल्पचर आर्ट म्यूज़ियम, तो मे बी संडे को बंद होता है, मैंने टाइम नहीं देखी, लेकिन मैं आया था इसके लिए। तो आप देख सकते हो इसके लिए भी और इसके लिए, मैंने सोचा था दोनों पास में ये, तो दोनों का एक साथ ले लेंगे तो इसलिए, लेकिन अभी ये बंद है। काफ़ी ब्यूटीफुल मतलब म्यूज़ियम भी है, क्योंकि म्यूज़ियम है और इसमें काफ़ी मज़ेदार आर्ट है, मैंने इसकी फ़ोटोज़ देखी इसलिए मैं आया था यहाँ पे। तो अब मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ इस साइड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे तो इस सामने जो आप देख रहे हो ना, ये मॉल है, ये ब्राउन कलर में फ्रूट वगैरह आप क्लोथ वगैरह आप खरीद सकते हो। तो वहाँ जाने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा, चेकिंग करके फिर अंदर जाएंगे। और दूसरा वहाँ पे आप देख सकते हो इस्तांबुल मॉडर्न आर्ट म्यूज़ियम है, जिसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। और इसी मॉडर्न आर्ट म्यूज़ियम के पीछे वहाँ पे आप जो देख रहे हो ना इतना बड़ा, वो क्रूज़ है। यस, वो क्रूज़ शिप है इतनी बड़ी, ये देखिए। इसके पीछे कोई बिल्डिंग नहीं है, वो क्रूज़ है, वो बहुत बड़ी शिप है। चलिए आपको मैं पास चल के दिखाता हूँ, चलिए चलते हैं। इसका रास्ता जो आप मेरे सामने देख रहे हो, यहाँ पे चेकिंग वगैरह होगी, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, चेकिंग करा के मैं अंदर आ गया हूँ, और ये मॉडर्न म्यूज़ियम के पीछे उस, तो आपको थोड़ा पास से चल के दिखाता हूँ, चलिए चलिए। और फ्रेंड्स, वो मस्जिद को देखिए पीछे से कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, मतलब क्या आर्ट है इसका, काफ़ी अमेजिंग लग रही है ना पीछे से। इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप जो मेरे सामने देख रहे हो ये है क्रूज, आप देख सकते हो कि लिटरली कितना बड़ा है ये, मॉडर्न आर्ट म्यूज़ियम से ही बड़ा। वो देखिए इतना बड़ा ये। देख रहे हो मेरे पीछे ये क्रूज है, इतनी बड़ी होती है क्रूज। और इसके पास में अगर आप देखोगे ना, तो ये लाइफ बोट होते हैं, ये क्रूज़ पे होना कंपलसरी है। हर दुनिया में अगर कोई भी क्रूज़ का इस्तेमाल कर रहा है, तो जितने पैसेंजर्स की उसमें स्पेस होते हैं उतने ही लाइफ बोट, लाइफ जैकेट होना भी कंपलसरी है। वरना ये मॉडर्न आर्ट म्यूज़ियम है, जिसकी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, और इसके अंदर ना इंडियन फ़ोटोज़ रखी हुई हैं, मतलब म्यूज़ियम में तुर्की की इस्तांबुल में म्यूज़ियम है मॉडर्न आर्ट, उसके अंदर इंडियन फ़ोटोज़ है। वो ब्लॉग आप ज़रूर देखना, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें थी उसमें, काफ़ी एक्टिविटीज़ भी करी मैंने, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आप मतलब चैनल पर जाइए, वहाँ पे आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को।
और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, आसपास की चीज़ें, हिस्ट्री बताई एक मस्जिद की, और मस्जिद भी काफ़ी ब्यूटीफुल थी। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा, और अगर आपको मज़ा आया तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आने के लिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।